लसित बरफुकन की जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज हम इतिहास के ऐसे स्वर्णिम पृष्ठ को लेकर एकत्रित आए हैं। शायद वो व्यक्ति न होता, वो योद्धा न होता, वो सुरवीर न होता, तो आज पूरा पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा न होता। उस वक्त उन्होंने लिए हुए निर्णय, उन्होंने दिखाया हुआ साहस, उन्होंने किया हुआ पराक्रम न केवल पूर्वोत्तर, दक्षिण एशिया के पूरे हिस्सों को धर्मांध आक्रांताओं से, धर्मांध आक्रमणखोरों से बचाने का काम किया। तो हेमंत जी, लसित बरफुकन के लिए आसाम के मुख्यमंत्री के नाते एक कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मैं हेमंत जी को बताना चाहता हूं, लसित बरफुकन के उस पराक्रम का उपकार पूरे देश पर है, पूरी सभ्यता पर है, पूरी संस्कृति पर है। और इसलिए मैं हेमंत जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर की सीमाओं के बाहर इस महान योद्धा को, भारत माता के महान सपूत को, उसकी वीरता को, उसके बलिदान को, उसके गुणों को आपने पहुंचाने का काम किया है। और मित्रों, जब देश बनते हैं तब उसमें महत्वपूर्ण तत्व होता है देश के इतिहास का अध्ययन। जिस देश की जनता को अपने इतिहास से गौरव लेने का बोध न हो, वो अपने सुनहरे भविष्य को कभी नहीं बना सकता। अगर देश के सुवर्णमय भविष्य को बनाना है तो देश के इतिहास से गौरव, देश के इतिहास से बोध लेना बहुत जरूरी है। और इसलिए हेमंत जी ने जो प्रयास किया है वो केवल लसित बरफुकन ही नहीं, 1206 में महाराज पृथु और बख्तियार खिलजी की लड़ाई से लेकर 1671 तक लसित बरफुकन की औरंगजेब के साथ लड़ाई तक आसाम का महाराज पृथु से लेकर और बाद में अहोम साम्राज्य के सभी बहादुर सेनानायकों और राजाओं और सैनियों की वीरता भरी कहानी का एक इतिहास आज समग्र देश के इतिहास के विद्यार्थियों के सामने आ रहा है। इसलिए मैं बहुत बहुत मन से साधुवाद देना चाहता हूं। हमारे देश के सबसे कठिन समय के अंदर लसित बरफुकन ने देश के एक ऐसे कोने में जो वीरता बताई, न जाने विधाता की ही इच्छा होगी, उस वक्त धर्मांध औरंगजेब के खिलाफ देश के हर हिस्से में एक लड़ाई जगी थी। दक्षिण में कहीं शिवाजी महाराज स्वराज की भावना को ताकत दे रहे थे, ठेठ उत्तर में दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी इसके खिलाफ लड़ रहे थे, पश्चिम में राजस्थान के अंदर वीर दुर्गादास राठौर लड़ रहे थे, तो पूर्व में मुगल सेना को परास्त करने के लिए उसी कालखंड में लसित बरफुकन भी लड़ रहे थे। इतिहास का ये संयोग एक समय में देश के कई हिस्सों में धर्मांध मुगलों के खिलाफ जो एक साथ किसी न किसी वीर पुरुष ने, एक साथ किसी न किसी पराक्रमी योद्धा ने जो आवाज उठाई, और इसके कारण ही अंततो गत्वा मुगल साम्राज्य का पराजय हुआ, पतन हुआ और देश फिर से एक बार आजादी की ओर, स्वराज की ओर बढ़ा। मित्रों, लसित बरफुकन जिस प्रकार से उनका जीवन रहा, वो न केवल एक सेनापति के रूप में, एक असीम देशभक्ति के मालिक, ऐसे देशभक्त के रूप में सराईघाट की लड़ाई को आज भी याद किया जाता है और आज भी याद किया जाना चाहिए। मित्रों, लगभग आपको बहुत कम लोगों को मालूम होगा, आज हेमंत जी ने
ढेर सारी इनकी स्मृति को संजोने के लिए, उनकी स्मृति को चिरकाल तक आगे बढ़ाने के लिए ढेर सारे इनिशिएटिव किए हैं। मगर 1999 में एनडीए में जो बेस्ट कैडेट होता है उसका गोल्ड मेडल जो दिया जाता है उसका नाम लसित बरफुगन गोल्ड मेडल है। हमारे देश के सभी जांबाज जवानों को इस योद्धा से प्रेरणा लेने के लिए और इसके जीवन के अनुरूप जीवन जीने के लिए एक गोल्ड मेडल की रचना की गई। लगभग 600 वर्ष के अहोम राजाओं के इतिहास में कई बार मुगल आक्रांताओं ने, मुस्लिम आक्रांताओं ने आक्रमण किए। राजा पृथ्वी से लेकर अंतिम लड़ाई औरंगजेब और लसित बरफुगन के बीच में हुई। पृथ्वी के बाद अहोम साम्राज्य आया, लगभग 22 बार असम पर आक्रमण हुआ, मगर हमारा देश का यह हिस्सा ऐसा था, कदाचित ऐसे समय आए कि हारना भी पड़ा, मगर स्वराज की जिजीविषा कभी खत्म नहीं हुई। 2 साल 3 साल 4 साल सबसे ज्यादा समय है 4 साल, जब तक वो विजय का आनंद ले सके, 4 साल के भीतर ही फिर से हमारे लोग उठ खड़े हुए और विदेशी आक्रांताओं को भगाने के लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया। और इसी के परिणाम स्वरूप आज देश में सबसे अक्षुण संस्कृति कहीं पर पाई जाती है तो हमारे बहुत सौंदर्यवान और कुदरती सौंदर्य से भरपूर नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है। वहां की भाषा, संस्कृति, गायन, वादन, वेशभूषा और खानपान, ये सभी अक्षुण रहा है। कभी भी विदेशी इसको तोड़ नहीं पाए, कभी भी ये परंपरा को तोड़ नहीं पाए। मित्रों, अकबर हो या औरंगजेब, कुतुबुद्दीन ऐबक हो या इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी हो या इवाज खिलजी, मोहम्मद बिन तगलक हो या मीर जुमला, हर एक ने यहां से पराजय का मुंह देखना पड़ा और अहम राजाओं के पराक्रम के सामने वो पराजित होकर आगे बढ़ते गए। मित्रों, अहम के साहस और पराक्रम उसने ढेर सारी हमारी संस्कृति को, इतिहास को बचाने का काम किया है। और सबसे कठिन लड़ाई उनके पास थी, क्योंकि छोटी छोटी जनजातियों को इकट्ठा कर लड़ना पड़ता था। कई बार चुटिया राजाओं के माध्यम से सहायता ली, कई बार सारे ट्राइब्स को इकट्ठा किया और ये 600 वर्ष के स्वर्णिम काल में राजा सुहंगम, राजा पृथु, राजा संध्या, राजा दुर्लभ नारायण, राजा सुदंगफा, राजा प्रताप सिंह और लसित बरफुगन के पराक्रम ने इस क्षेत्र को हमेशा बचाया। मित्रों, मैं लसित बरफुगन के जीवन के बारे में एक ही वाक्य कहना चाहता हूं, इनके जीवन ने साहस की व्याख्या पूरी दुनिया के सामने की है। जिस काम को करने में डर लगता है उसी को करने का नाम साहस होता है। इतनी बड़ी मुगल फौज के सामने, इतने विपरीत अनुकूल प्रतिकूलताओं में, और शरीर जब बीमार था तब भी अगर पराजय मेरी देश का होगा तो मेरी जनता का विनाश होगा, मेरे राज्य का विनाश होगा, ये राष्ट्रभक्ति ने उनको उठाया और उन्होंने उस सदी के सबसे बड़े विजय को प्राप्त किया। उन्होंने, वैसे वो एक राज परिवार में काम करने वाले परिवार में जब जन्मे, उनका प्रशिक्षण भी हुआ, मगर कभी भी पारिवारिक बैकग्राउंड को उन्होंने नहीं फायदा मिला उनको। आप उनकी पूरे जीवन काल को देखेंगे तो एक मामूली घुड़सवार से लेकर घोड़ा सेना के अध्यक्ष से लेकर राजा के अंगरक्षक तक सभी भूमिका निभाते निभाते उच्च सेनापति बनकर ये पराक्रम को निभाने का काम उन्होंने किया। हर क्षेत्र में, हर जगह पे, सेना के हर अंग में उन्होंने काम किया। इसलिए जब वो सेनापति बने
तब सेना के सभी अंगों को सजोकर मुगलों के सामने इतनी बड़ी और सफल लड़ाई वो लड़ पाए। और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आसाम की सभी जनजातियों की सेनाओं को इकट्ठा करने का काम किया। मित्रों, आज जब हम लसित बरफुगन को प्रयासों को देखते हैं तो लगातार प्रयासरत रहने से ही सफलता मिलती है, और अगर रुक गए तो रुके हुए पानी की तरह, पानी जैसे सड़ता है ऐसे विफलता मिलती है, ये उपदेश हमें मालूम पड़ता है। मित्रों, आज जब हम यहाँ पर आए हैं और हेमंत जी ने बाहर एक बहुत सुंदर म्यूजियम और प्रदर्शनी भी लगाई है, अभी मैं दिल्ली के जितने भी इतिहास के विद्यार्थी यहाँ पर आए हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी से, इस सबको मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रदर्शनी को आप जरूर देखें, जिससे देश के पूर्वोत्तर के हिस्से में देश की स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई लड़ी गई है इसका आप अध्ययन कर सको और इतिहास को फिर से करेक्ट करने का हम काम कर सके। मैं कई बार सुनता हूं, मैं भी विद्यार्थी इतिहास का विद्यार्थी हूं, मैं कई बार सुनता हूं कि हमारे इतिहास को गलत तरीके से लिखा गया है, हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लिखा गया है। हो सकता है वो सही हो, परंतु हमारे इतिहास को गौरवमय तरीके से लिखने में अब हमें कौन रोकता है? कौन रोकता है? हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, हमें संशोधन करना पड़ेगा और हमारे इतिहास को गौरवमय तरीके से विश्व के सामने रखना पड़ेगा। आज इतने सारे विद्यार्थी बैठे हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं, मैं तो उनको आह्वान करना चाहता हूं कि इतिहास को तोड़ा है, मरोड़ा है, गलत तरीके से लिखा है, ये विवाद से बाहर निकल जाइए। आप 30-30 बड़े साम्राज्य जो 150 साल से ज्यादा देश के किसी भी हिस्से में शासन किए, और 300 ऐसी विभूतियां जिन्होंने देश के स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया, पूरा जीवन जिए, विजयी हुए और जरूर पड़ी वहां जान का भी बलिदान दिया, ये 30 साम्राज्य और 300 विभूतियों के जीवन पर आप लोग R&D करिए, आप लोग रिसर्च करिए, इन पर लिखिए और नए इतिहास की शुरुआत करिए। नया इतिहास आएगा, जो असत्य है वो अपने आप चला जाएगा। और मैं आपको कहता हूं, कंधार से लेकर बंगाल तक कई युद्ध उन्होंने जीते थे, इनके पिताजी से भी युद्ध कला को उन्होंने सीखा था, मगर उन्होंने ये जो लड़ाई लसित बरफुगन लड़े इसके लिए कहा, प्रत्येक असमिया सैनिक नाव चलाने में, तीर चलाने में, खाइया खोदने में, बंदूकें और तोपों चलाने में माहिर है, मैंने भारत के किसी भी हिस्से में बहुमुखी प्रतिभा वाले सैनिकों के बने हुए इतने बड़े सैन्य को नहीं देखा। और ऐसे सैन्य की निर्मिति तभी हो सकती है जब सेनापति सजग होता है। वीर लसित को बरफुकन बनाने के बाद, सेनापति बनाने के बाद बहुत कम समय मिला, मगर वो कम समय के अंदर उन्होंने अपनी सेना को सभी प्रकार के युद्धों में माहिर बनाने में अपनी ऊर्जा लगा दी। उनको मालूम था कि अगर आसाम पर हमला करना है तो ब्रह्मपुत्र के माध्यम से ही होगा और लड़ाई होगी, वो नौसेना मजबूत करनी पड़ेगी, और इसलिए नौ सैनिकों ने उस जमाने की समय में लड़ने के लिए जितनी भी विधाएं थी सभी विधाएं सैन्य के छोटे से छोटे सैनिक को उसको पारंगत बनाकर, इसका एक्सपर्ट बनाकर पूरे सैन्य को एक अभेद बनाने का काम किया था। और ऐसा देशभक्ति कहीं भी नहीं मिलता है, इनका जीवन का जिन्होंने अभ्यास किया है कई ऐसी घटनाएं मिलेगी, परंतु मैं एक ही घटना कहना चाहता हूं कि उन्होंने, लसित ने अपने मामा को किलेबंदी के निर्माण की जिम्मेदारी दी थी जब मुगलों का हमला आने वाला था, तब क्योंकि जब उनको खंडनी भेजना बंद कर दिया तब तय था मुगलों के किले जीत लिए अहोम सेनापतियों ने, अहोम राजाओं ने, तब ये तय था कि अब मुगलों का हमला आएगा। किलेबंदी के निर्माण की जिम्मेदारी उनके मामा को दी थी,
मगर उन्होंने देर कर दी और ठीक जवाब नहीं दिया। उन्होंने हैंगडंग निकालकर, तलवार निकालकर मामा का शिरच्छेद किया और उन्होंने कहा, मेरे लिए सबसे प्रिय मेरा देश है, मेरा स्वजन, उसके बाद आजाद। और वो घटना ने समग्र सैन्य के अंदर देशभक्ति की एक ज्वाला को प्रज्वलित करने का काम किया। मैं नहीं मानता कि उस वक्त उनके मन में दुविधा रही होगी, जरूर होगी। एक और अपने सगे मामा थे और दूसरी ओर देश का हित था, मगर देशभक्ति की प्रदीप्त ज्वाला ने उनको देश के हित को बड़ा माना और अपने मामा का शिरच्छेद करने का साहस लसित बरफुगन ने किया। मैं आज भी कह सकता हूं, मित्रों, बहुत वीर होते हैं, बहुत देशभक्त होते हैं और सर से पांव तक देशभक्ति से रंगे हुए होते हैं, वो ही ऐसा काम कर सकते हैं, बाकी कोई काम नहीं कर सकता। अभी हमने देखा कि सरायघाट युद्ध के पहले वो बहुत बीमार थे और उनको मालूम पड़ा कि हमला आ रहा है, तब उन्होंने युद्ध करने का फैसला किया। जब युद्ध करने के लिए अशक्त होने के बावजूद भी वो गए तो उनके भक्त सैनिक नाव को ऊपर की ओर ले गए, क्योंकि वो लसित बरफुगन को बचा सके। उनको मालूम था ये निर्बल है, उन्होंने अपने सैनिकों को अपनी ही तलवार से काटकर नदी में डालने का काम किया और नाव को घुमाकर सैनिकों के साथ जाकर युद्ध किया और मुगलों को परास्त करने का काम किया। एक पराजय ने अहम साम्राज्य को नीचा देखने के लिए मजबूर किया था, एक समाधान करने के लिए मजबूर किया था, खंडनी देने के लिए मजबूर किया था और मुगल बादशाह को, अपनी बच्ची को मुगल बादशाह के पास भेजने के लिए मजबूर किया था। वो पराजय का बदला इतने अच्छे तरीके से, इतनी वीरता के साथ उन्होंने लिया कि इसके कई साल बाद तक असम पर दिल्ली से कोई भी हमला नहीं आया, कोई मुस्लिम आक्रांता ने हिम्मत नहीं करी। यही बताता है कि लसित बरफुगन कितनी शिद्दत के साथ युद्ध जीतने के लिए संकल्पवान थे। अपने ही सैनिकों को ब्रह्मपुत्र में डालकर उन्होंने आगे निकाला। मित्रों, मुश्किल समय जब होता है तब कायर लोग बहाना ढूंढते हैं और वीर व्यक्ति होता है वो दृढ़ संकल्पित होकर रास्ते खोजता है। लसित बरफुगन ने वीरों के सभी गुणों को आगे करते हुए उन्होंने विजय प्राप्त की थी। अलाबोई की हार के बाद जब 10,000 सैनिक मारे गए तब भी उन्होंने अपने दृढ़ निश्चय को नहीं पिघलाया और तय किया कि हम आगे लड़ाई लड़ेंगे। और मित्रों, इतिहासकार नोट करते हैं कि सरायघाट की घटना, वो लड़ाई, वो 9 सैनिकों के द्वारा लड़ी हुई लड़ाई थी और लसित ने, वीर लसित ने ये लड़ाई को उस जमाने में नेवी तैयार कर जीतने का काम किया था। एक और मुगलों की बड़ी बड़ी तोपें और बड़ी बड़ी जहाजें थी और दूसरी ओर छोटी बंदूकें, एकदम छोटे वहीं पर बनाए हुए हथियार और छोटी नाव को लेकर लड़ाई को लड़ा गया। बहुत असमानता थी, संख्या की दृष्टि से असमानता थी, युद्ध की जानकारी की दृष्टि से असमानता थी और संसाधनों की दृष्टि से असमानता थी, हथियारों की दृष्टि से भी असमानता थी। मगर जहां तक राष्ट्रभक्ति का सवाल था, लसित बरफुगन के पास जो राष्ट्रभक्ति थी, उनकी सेना के पास जो राष्ट्रभक्ति थी, उसका कतरा भी मुगल की सेना में नहीं था और राष्ट्रभक्ति का विजय हुआ, देशभक्ति का विजय हुआ और उन्होंने वो युद्ध को जीता। अहोम राज्य की संप्रभुता, संस्कृति और सभ्यता को बचाया और पूरे दक्षिण पूर्व को धर्मांध आक्रांता औरंगजेब से बचाने का काम लसित बरफुगन से किया। दुर्भाग्य की बात है कि उनके विजय के कुछ ही दिनों बाद उनका निधन हो गया, परंतु मैं मानता हूं कि महाभारत में वीरों के 5 जो लक्षण वर्णित किए गए हैं,
पांचों लक्षण लसित बर्फुगन के अंदर हम देखते हैं और बारीकी से वो लक्षणों का अभ्यास करते हैं तो वही लक्षण से कहीं न कहीं शिवाजी महाराज हो, चाहे वीर दुर्गादास राठौड़ हो या दशम गुरु गोविंद सिंह हो, ये सब ने मुगलों के सामने लड़ाई लड़ी थी और देश को बचाने का, स्वधर्म को, स्वराज को बचाने का काम किया था। मित्रों, आज इतिहास हमसे मांग कर रहा है कि हमारे एक गौरवमयी इतिहास को हम फिर से एक बार जीवित करें। गौरवमयी इतिहास से ही प्रेरणा लेकर बड़े नागरिक बनते हैं, गौरवमयी इतिहास से ही प्रेरणा लेकर बड़े योद्धा बनते हैं और गौरवमयी इतिहास से ही प्रेरणा लेकर देश आगे बढ़ता है। अब समय आ गया है कि हमारे इतिहास के इस नायकों को हम आगे बढ़ाएं, इनकी बात को देश के हर कोने में पहुंचाएं। मैं आज हेमंत विश्व शर्मा जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि देश की 10 भाषाएं आप सिलेक्ट कर लीजिए कौन सी भाषाओं में करना है और हिंदी में लसित बरफुगन के चरित्र को आसाम सरकार ने अनुवाद कर देश के हर बच्चे को लसित बरफुगन पर अभ्यास करने का आपने एक काम करना चाहिए। और यही हमारी धाती है, इसके आधार पर ही देश बड़ा हो सकता। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय किया था। अमृत महोत्सव इसलिए मनाया था कि हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को, हमारी नई पीढ़ी को आजादी के गुमनाम शहीदों से, आजादी के गुमनाम योद्धाओं से उनका परिचय करा जाए, उनके बारे में उनको सिखाया जाए, बताया जाए और उसमें से प्रेरणा लेकर वो भी बड़े व्यक्ति बने। और आजादी कितनी कीमत चुकाने के बाद होती मिली है इसका बोध आजादी को संभालने के लिए उनको प्रेरित करेगा। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय किया था। आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में ही हेमंत जी ने 24 नवंबर को आज के दिन लसित दिन के रूप में पूरा आसाम और देश के कई हिस्सों में मनाया जाता है, उस वक्त उनकी 400वीं जयंती का एक कार्यक्रम रखा है। मैं इस मौके पर सुप्रसिद्ध इतिहासकार सूर्य कुमार भुइयां को भी बहुत स्मरण के साथ याद करना चाहता हूं। उन्होंने बुरंजी का संपादन, अनुवादन और प्रकाशन कर लसित को अमर करने का काम किया है। जरूरत है इसको हर राज्य में, हर भाषा में और देश के हर कोने में पहुंचाने की, मुझे विश्वास है हेमंत जी इसको जरूर करेंगे। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज पूर्वोत्तर भारत में शांति है, पूर्वोत्तर भारत में विकास पहुंचा है और पूर्वोत्तर भारत और मेनस्ट्रीम भारत के बीच में जो अंतर था वो अंतर को मोदी जी ने समाप्त कर दिया है। पूर्वोत्तर को रेलवे से जुड़ा है, पूर्वोत्तर को एयर रूट से जुड़ा है, पूर्वोत्तर को विकास से जुड़ा है। इससे भी बड़ी बात है मोदी जी ने पूर्वोत्तर को दिल से जोड़ा है। आज पूरा पूर्वोत्तर के महसूस कर रहा है कि हम भारत का हिस्सा है और पूरा भारत महसूस कर रहा है कि प्रागज्योतिषपुर से लेकर सरायघाट की लड़ाई तक और आज तक हम हमारे पूर्वोत्तर को अलग दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। एक ही इतिहास का हिस्सा है, एक ही भूमि के हम लोग हैं और एक ही देश के हिस्से हैं, इस प्रकार से देखना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये 8 साल के अंदर ढेर सारी सफलताएं मिली हैं। 8 साल के अंदर अलगाववाद के कारण जितने भी हथियारी ग्रुप थे वो सबको हथियार छोड़कर आज मेन स्ट्रीम में आए हैं। अब समय है इतिहास को फिर से पूरे देश को बताने का, अब समय है पूरे देश के इतिहास को पूर्वोत्तर के बच्चों को पढ़ाने का और इतिहास के माध्यम से संस्कृति, भाषा और धर्म के माध्यम से पूरे देश को एकजुट कर फिर से एक मजबूत भारत बनाने का। मुझे विश्वास है मित्रों कि आज का ये जो प्रयास है असम सरकार का वो देश की परिपूर्ति के लिए बहुत बड़ा कदम है। इसको आगे भी चालू रखेगी असम सरकार और समग्र देश के अंदर
पूर्वोत्तर के लिए एक अहोभाव जगेगा और पूर्वोत्तर को समग्र देश के लिए अहोभाव जगेगा। ये हम सबकी मंशा है, मोदी जी की भी मंशा है और ये जरूर पूरी होगी। फिर से एक बार सरायघाट के युद्ध में मारे गए लसित बरफुगन की सेना के सभी वीर योद्धाओं को और लसित बरफुगन की वीरता को मैं श्रद्धांजलि देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।